मेरे साथ वजू भाई वगासिया पॉपुलरली नोन आज वजू भाई प्लेक्सपो के चेयरमैन हैं और प्लेक्सपो जी एस पी एम एक ही बहुत सारे डिफरेंट पद में रहा है और बहुत सारे गुजरात स्टेट में नेशनल लेवल प्लास्टिक इंडिया में वगैरह बहुत सारे पद में इन्होंने काम किया है हेल्पिंग प्लास्टिक इंडस्ट्री सर वेलकम टू मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी आप जीएसपीएमए के बारे में बताइएगा उसके साथ में जी एस पी एम ए ने प्लेक्सो प्लेक्सपो कब स्टार्ट किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिएगा प्लेक्सपो हमने स्टार्ट किया 1979 से एवरी ईयर वी आर डूइंग दिस प्लेक्सपो वी आर पार्टनर्स ऑफ प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन वी आर फाउंडर मेंबर ऑफ प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन वी इन फ्लेक्सपो Like Plexpo, there are four associations of all India, four or five associations. We have called a meeting, and we formed a Plast India. Uh -huh. So we are one of the founder member of the Plast uh -huh. India. Uh -huh. Our Plast India motto is same, how can we put our Indian plastic product at international level? Uh -huh. We should increase our production. We should increase our export by calling some good buyers from outside. Uh -huh. by calling some visitors from outside so that our export-import business can be increased. हाँ. This is our main motto just to put plastic industry of India हाँ. at international level. In particularly in Gujarat, from Gujarat at present highest export of plastic product is from Gujarat. अच्छा। for information, हाँ. yeah. और एक्सपोर्ट uh, के लिए जीएसपी में uh, क्या सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट के लिए हमारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसमें तो सपोर्ट है ही एक्सपोर्ट इंस्टिट्यूट तो मिलता ही है. एक्सपोर्टर हाँ. को इनकम टैक्स में भी बिल्कुल मिनिमल मिनिमम लगता है एक्सपोर्टर के लिए कई टैक्सेस जो है जो जैसे कि हमारा जीएसटी है अदर टैक्सेस है वो लगता नहीं है ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड है पर्टिकुलरली एमएसएमई के लिए एक्सपोर्टर को और इंसेंटिव भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टेंसी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कई किस्म की फैसिलिटीज एक्सपोर्टर को मिलती है में आप लोगों का क्या क्या थीम पे की प्लानिंग है क्या क्या थीम विलियन थीम पे विलियन थी हमारा मेन थी प्योलन बनेगा वो प्लास्टिक्स इन प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर एंड प्लास्टिक फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग बाई रिसाइकलिंग स्मॉल पीपल आर गेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट स्मॉल पीपल आई टेल यू रेक पिकर्स कचरा चुनने वाले ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है इसलिए हम पर्टिकुलरली रिसाइक्लिंग को इन मॉडर्न मेथड हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग पद्धति पॉलिसी प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग बाय वॉशिंग बाय क्लीनिंग आफ्टर वॉशिंग एंड क्लीनिंग इफ यू डू रिसाइकलिंग इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स इट इज अ नेक्स्ट टू वर्जिन लाइक ग्रेन्यूल्स इट इज अ वेरी गुड यूज फॉर अवर इंडस्ट्री फॉर अवर पीपल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लास्टिक इंडस्ट्री को मैसेज ये जाना चाहिए कि जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में के वेस्ट बहुत बढ़ रहा है और प्लास्टिक पॉलीमर का डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो इसके लिए अभी कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं हम गुजरात में इसको फोकस करने वाले हैं और पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल का भी हम एक छोटा पवेलियन बनाने वाले हैं ताकि लोगों को मालूम चले कि मॉडर्न प्लास्टिक जैसे है ऐसे मॉडर्न प्लास्टिक रॉ मटेरियल आने वाला है ये रॉ मटेरियल को यूज़ करने से एक साल दो साल में या छः महीने में तुम्हारी थैली पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो इट विल बिकम ए मड मट्टी बन जाएगा वो देट विल बी यूज फॉर फॉर एनवायरमेंटल पर्पज वो दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको हम फोकस करते हैं उसको हम प्रमोट करते हैं फ्लैक्सपो के बारे में आपको और क्या कहना है हमारा कहना यह है, है कि प्लेक्सपो के थ्रू पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़नी चाहिए और पार्टिसिपेंट को वाई आई शुड पार्टिसिपेट इन प्लेक्सपो वाई आई शुड पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन आई टेल यू वेरी गुड थिंग देर आर टेन थाउजेंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लास्टिक इन गुजरात